माय फ्रेंड्स, आज हम डिवाइड करना सीखेंगे। तो पहले तो आपको डिवाइड में टेबल बहुत जरूरी है, टू से टेन तक तो आपको लर्न होने ही चाहिए। तो लर्न नहीं है तो पहले सबसे पहले टेबल लर्न कीजिए। अब हम देखेंगे 575 डिवाइड बाय 5, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो 575 अंदर आ गया, डिवाइड बाय किससे डिवाइड करना है, 5 से। तो क्या करते हैं हम, 5 का टेबल हमें आना चाहिए, ठीक है। तो 5 का टेबल हम 5 को पढ़ेंगे, कितने 5 आर 5 होते हैं, हाउ मेनी 5 आर 5। तो आपको जरा टेबल का पता है कि 5 वन आर दैट इज 1, तो आपका क्यू सेंट कितना आएगा, इसको क्यू सेंट होता है 5 वन आर 5। अब इसको हम माइनस कर देंगे, ठीक है, 5 से 5 है तो कुछ नहीं रहा। अब क्या करते हैं हम, एक अंक आगे उतारते हैं, इट इज 7। दो अंक हम तब उतारते हैं जब 5 से नहीं जाएगा, तो हम एक अंक उतारेंगे, 5 से बड़ा है 7, ठीक है। अब हम 5 का टेबल 7 को पढ़ेंगे, हम क्या करेंगे, 5 का टेबल 7 को पढ़ेंगे। तो पढ़िए, 5 वन जा 5, 5 टू जा 10, 10 ज्यादा हो गया, तो अगेन किससे जाएगा 5, 5 वन जा 5। अब इसको माइनस करेंगे, 7 में से 5 तो रहेंगे हमारे पास 2। नेक्स्ट डिजिट आप नीचे उतारेंगे, दैट इज 5। नाउ रीड द टेबल, 5 को टेबल 45 को पढ़ो, दैट इज 5 5 आर 25। माइनस किया, रिमाइंडर कुछ नहीं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, 7562 डिवाइड बाय 12, ये हमारा एक डिजिट से वन डिजिट से था, अब हमारे पास टू डिजिट डिविजन होगा। तो आपने क्या करना है, 12 का टेबल आपको लर्न होना चाहिए, टू डिजिट है इसमें, तो हमने इन टू डिजिट को इसका टेबल पढ़ना है। तो हमें पता है 12 5 का होता है 60, 12 7 का 12 6 का 72, 72 अगर हम 12 7 जा करेंगे तो दैट इज 84, वो ज्यादा हो गया, तो हम करेंगे 12 6 आर 72। अगर नहीं आ रहा है तो 12 मल्टीप्लाई बाय 6, ये आपका वर्किंग नोट्स है, यहाँ पे आप रफ काम कर सकते हैं, एक लाइन लेके, तो 6 2 जा 12, 1 कैरी, 6 1 जा 6 और 1 7, 72। माइनस किया हमने, 5 में से 2 गए तो रह गया 3, 7 में 7 गए तो कुछ नहीं रहा। अब हम क्या करते हैं, सिमिलरली वन डिजिट नीचे का, अब 12 का टेबल आपने फिर से पढ़ा 36 को, तो 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36। माइनस किया, 36 में 36 कर गया तो कुछ भी नहीं बचा, आगे उतर दिया आपके पास 2। अब 12 बड़ा है, 2 छोटा है, आगे कुछ नहीं है उतारने को आपके पास, में हम क्या जानेंगे, 0, ओके।